मेरे पास आईआरबी के 2,629 रुपीज थे और अरविंद के है 125 पे 500। आईआरबी और अरविंद, हाँ ठीक है। आरबीएनएल की भी है, आरबीएनएल किस भाव पे? 27 पे 500। आपको तीनों पे कितना रुकना है? लॉन्ग टर्म सौरभ के पास में आऊँगी। सौरभ, इनकी जो ख़रीद है आईआरबी में, ये 29 की बता रहे हैं, मुनाफे में फ़िलहाल बैठे हैं, लेकिन लंबा नज़रिया भी है इनका। फ़िलहाल क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, या आपको लगता है कि और रुके तो मुनाफा बढ़ेगा ही, इनका बाइंग प्राइस अच्छी है? पता है कि अगर लंबे समय से इन्होंने रखा हुआ और लंबा समय रखेंगे तो इनका मुनाफा बढ़ सकता है। कंपनी की जो सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में है, जहां पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। मैं समझता हूँ मॉनसून के बाद जो गतिविधि होगी एनएचएआई की वो भी बढ़ेगी, कंपनी की ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और जो कार्य है उसमें और ग्रोथ भी आएगी। तो मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। एक इनके पास शायद आरबीएनएल, इन्होंने अभी पूछा था, मैं समझता हूँ वो भी स्टॉक इन्होंने ठीक लिया हुआ है क्योंकि निचले स्तरों पर लिया हुआ है, निकल जाने का कोई कारण नहीं बनता। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 2-3 साल लंबा व्यू रखते हैं तो इन्हें बिल्कुल उसमें बने रहना चाहिए।